फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक्चुअली मैं आज जो मैं वीडियो आपको शेयर करूँगी वो इतने सारे जो हम प्रोडक्ट मंगाते हैं उनके साथ ये सैंपल आ जाते हैं, और ये अलग अलग सैंपल होते हैं। कुछ हम खरीद लेते हैं, कुछ हम नहीं खरीद पाते हैं। तो जो जो मेरे पास नहीं है और जिनके मैंने रिव्यू नहीं दिए हैं, तो धीरे धीरे करके इनमें से उनके वीडियो आएंगे, ठीक है गाइज, इन सैंपल के, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको पता चलेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, आज मेरे पास जो है ये वोव का बॉडी लोशन है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो वोव का ये बॉडी लोशन है। वो भी काफी फेमस कंपनी है प्रोडक्ट्स को लेकर, और उसका मुझे ये बॉडी लोशन जो है सामान में आया था, और ये काफी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने इन सभी चीजों को जो मैंने अभी दिखाया है, इन सभी चीजों को मैंने यूज किया है, और उसके बाद मैं आपको रिव्यू पर्पज से बता रही हूँ। और इनमें जो प्रोडक्ट होता है एक से दो बार ही यूज करके जो मुझे लगा इन प्रोडक्ट के बारे में, वो एक्सप्लेन मैं आपके सामने कर दूंगी, ठीक है गाइज। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्या बताएं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट के साथ जो था वो मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये लोटस की ये लोशन है, सॉरी लोटस का नहीं, वो का ये लोशन है, और ये रोज का बना हुआ है। और गाइज, इन्होंने जो क्लेम किया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज, इसमें जो सबसे पहले क्लेम किया है, नो एडिड कलर है, नॉन मतलब चिपचिपा सा होता है ना, ग्रीसी बोलते हैं, नॉन ग्रीसी है इसका ये प्रोडक्ट, एंड बिल्कुल मतलब हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को। और गाइज, ये जो प्रोडक्ट बना है हिमालय के रोज से बना हुआ है। ऊपर साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालय के रोज से ये प्रोडक्ट बना हुआ है, पैराबेन क्रुएल्टी फ्री है ये। तो गाइज, इसके अंदर जो मेन जो प्रोडक्ट डाले गए हैं वो इसके ऊपर की जो पैकेजिंग है उस पे ही दिखाए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर जो है रोज वाटर डाला हुआ है, एंड इसमें बीटरूट एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, एंड हाइड्रोलिक एसिड भी इसमें डाला हुआ है। काफी अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं आपकी स्किन के लिए। ये सभी जो है इंग्रेडिएंट काफी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। और मुझे ये जो मिला है नेट वेट इसका 50 ml है, ठीक है। और मैंने इसको मतलब ये लोशन जो है मैंने 3 से 4 बार इसको यूज किया है। थोड़ा सा इसमें मैंने छोड़ रखा है आपको दिखाने के लिए। पैकेजिंग काफी अच्छी है इसकी, बड़ी पैकेजिंग भी आती है। रेट जो है, प्राइस जो है इस प्रोडक्ट का, जो एक्चुअल में जो आपको मिलेगा वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस और रेट है क्या है। तो गाइस, अब दिखाती हूँ इसका प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हैं। और ये तो ये देखिए, इस टाइप के क्रीम में आपको मिलता है, लिक्विड फॉर्मूला नहीं है। तो आप इस चीज को नोट कीजिए, जो लिक्विड में जो थोड़ा सा फॉर्मूला होता है वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको गर्मियों में हाइड्रेशन के लिए ठीक होते हैं, और इस टाइप के जो क्रीमी होते हैं वो आपको सर्दियों के लिए बेस्ट होते हैं। तो गाइज, इसका जो फॉर्मूला है वो क्रीमी टाइप में है, और ये देखिए थोड़ी सी ही देर में जो है आपकी स्किन में अब्सॉर्ब होने वाला फॉर्मूला है ये। तो ये देखिए, और इसके अंदर खुशबू भी बिल्कुल रोज की आ रही है, काफी अच्छा लोशन है ये। बट मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूं तो आपको ये लोशन है कम से कम 2 से 3 बार सर्दियों के टाइम में अप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब एक बार लगा लिया और दूसरी बार नहीं लगाया, मतलब भूल गए, ऐसी वाली बात नहीं होगी। इसको आपको दोबारा या तिबारा भी अप्लाई करना पड़ सकता है, इतना हाइड्रेटिंग नहीं है ये प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड बात, इसकी जो स्मेल है, एक बार तो हम सूंघेंगे, मतलब एक बार जब आएगी तो रोज रोज की आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है इसकी स्मेल मतलब आती रहेगी, और वो इरिटेट करने लगेगी एक्चुअल में, मतलब सिर में ही पिंच करने लगेगी कि भाई इतनी ज्यादा, इतनी हाई लेवल की, इस पता नहीं क्या इन्होंने परफ्यूम, शायद परफ्यूम डाल दिया है, नेचुरल चीज नहीं है इसके अंदर, परफ्यूम डाल दिए हैं, इसी की वजह से जो है प्रोडक्ट में स्मेल जो है, इसकी जो खुशबू है काफी हाई लेवल की है, और काफी देर तक आपकी स्किन पर आती रहेगी। ये तो बात है कि काफी टाइम तक आती रहेगी, बट थोड़ी देर बाद आपके माइंड को ये पिंच करने लग जाएगी कि मतलब कुछ तो है, मेरा तो लिटरली जो है सिर में ही दर्द होने लग जाता है इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद। 2-3 बार इस प्रोडक्ट को जो है मैंने यूज किया है, और 2-3 मैंने जो इसके अंदर
नोट किया है वो यही बात की है कि इसकी स्मेल जो है थोड़ी देर बाद पिंच करने लग जाती है, सिर में दर्द करने लग जाती है। किसी को बहुत ज़्यादा खुशबू से प्रॉब्लम ना हो, वो पूरे टाइम महकते रहें, तो वो इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। मैंने इसके सारे ही जो पॉइंट है वो कवर कर दिए हैं। आप सभी को पता है मेरे चैनल पर जो है गिव अवे चल रहा है, तो जाइए जल्दी से जाके उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्यों आप पीछे रह रहे हैं। और जो भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं उनके लिए थैंक यू, और इसी तरीके से मुझे कमेंट्स भेजते रहें, और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए गाइज, और लाइक भी कीजिए, लाइक बहुत कम आते हैं, लाइक भी कीजिए मेरे वीडियो को। और जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर जो है आपको अफोर्डेबल रेंज में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी वीडियो मिलती है। अगर इस टाइप की वीडियो आपको देखना पसंद है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।